पाली चौक के समीप व्यवसायियों और दुकानदारों ने सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की, सड़क जाम से वाहनों का आवागमन ठप हो गया। दुकानों के बंद रहने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाजार में खरीदारी करने के लिए लोग बैरंग वापस लौट रहे हैं। बंद को लेकर शहर के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, मॉल, पेट्रोल पंप व छोटी बड़ी दुकानें बंद रही। व्यवसायियों पर लगातार हो रहे हमले, बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने व व्यवसायियों को सुरक्षा प्रदान करने आदि के सवाल पर व्यवसायी व दुकानदार सड़क पर उतरे। बंद को लेकर शहर के सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान व दुकानें बंद रही। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम दिखी। इस दौरान बंद समर्थकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, आक्रोश जताया। बंद समर्थक टोलियों में बंटकर शहर के विभिन्न इलाकों में दुकानों को बंद कराकर प्रदर्शन करते दिखे। बिहार व्यवसायिक संघर्ष मोर्चा व व्यवसायिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में आहूत आरा बंद के दौरान काफी संख्या में व्यवसायी, दुकानदार, राजनीतिक कार्यकर्ता व स्थानीय लोगों ने भाग लिया। बंद को लेकर शहर के आरण देवी रोड, शीश महल चौक, गोपाली चौक, जेल रोड, रूपम सिनेमा रोड, शिवगंज चौक, सदर अस्पताल रोड, बड़ी मठिया, महादेवा रोड, धर्मन चौक, चित्रटोली रोड, डीज टैंक, गोलंबर, जैन स्कूल, नागरी प्रचारणी, करमन टोला, नवादा पकड़ी, अनाइट आदि जगहों की सभी दुकानें बंद रही। इस दौरान लोग हाथों में व्यवसायियों को सुरक्षा प्रदान करने, बेलगाम अपराध पर रोक लगाने आदि का तख्ती लिए हुए थे। जुलूस में शामिल व्यवसायियों का कहना था कि पुलिस व जिला प्रशासन अपराध रोकने में असमर्थ है। इस दौरान अपराधियों को गिरफ्तार करने, व्यवसायियों को सुरक्षा प्रदान करने व गोलीबारी में मारे गए डायरेक्टर एजेंसी के कर्मी विपुल मिश्रा के परिजन को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। भोजपुर पुलिस से डर खत्म हो गया है। पूरा भोजपुर पुलिस केवल दारूबाजों से पैसा उगाही में लगा हुआ है। गलत बोल रहे हैं तुम लोग। और पूरा शहर में दारू बेचवा उनका एकमात्र काम है। और अपराधियों को पकड़ने के नाम पे इनकी एक अपराधी खुलेआम गोली चलाना।